साइड मिरर को हमने नहीं छेड़ा, पॉलिश हो रही है, मुस्लिम भाई कर रहे हैं। देखते देखो कितनी जबरदस्त है इसकी। तो फर्स्ट इटाली गाड़ी है, फिटिंग हो दो बस जाऊँ यहाँ से। इंटीरियर माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया है। सीटें यार इसकी ज़बरदस्त है, ये तो कोई ऑप्शन है ना, इसको ऐसे करो ना, टेक ऊपर हो जाती है और आपको अगर मतलब बड़ी वो है ना, क्या बोलते हैं, सामान, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको उठाना है ना तोरी, यहाँ से खोलो गेट, तो ज़ाहिर है यहीं से ही खुलेगा। इसको दबाओ, ये अब ये जो है ना ऊपर हो गई है, तो ये हिलेगी नहीं। इधर भी सामान बड़ा रखने के लिए उसका हल ये, इसको आप ऐसे करोगे ये काबू। कितनी स्पेशियस है, स्पेशियस। और इसकी ओरिजिनल सेटिंग ये, तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं भाई, फुल नीचे आ जाइए, सॉरी काबू। डिग्गी भी अच्छी है, मतलब स्पेस डिग्गी का। सीट कवर मुझे छड़वानी पड़ेगी क्योंकि सर्विस वाले ने सही धोए नहीं है, देखे ना धब्बे धब्बे आ रहे हैं पूरे। हमने इसके बीच में एलियर क्लीन सीटें हैं, बहुत अच्छी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। वकील वाली बात जाऊँगा यहाँ से फिर ही होके, बाकी तो सारी गाड़ी माशाल्लाह ओके हो गई। वो सामान फिट करना, मैं कलर करा था पर ये सही है, मैं बफ लग जाता है। फाइनली भी फाइनल हाथ लग रहा है, बाकी सारी गाड़ी ओके हो गई। ब्रेक्स लग रहा है, ब्रेक्स साफ कर ले, साफ कर पूरे ना, साफ कर अच्छी तरह। हाँ तेरा हाथ कट जाएगा ना, साफ कर। अब ये देख आउट हो गया, पूरा आउट हो गया। साइन देखो किसी भी, भाई इसका क्या होगा, इंजन रूम सर्विस से आया। हाँ उसके बाद अभी साफ करेंगे इसके कोने खाते थे, छोटे मोटी जगह है, ये जगह है जो तो साफ कर दी है, ये सब उसके पाइप जो रेडिएटर वाला पाइप सब सफाई करेंगे। ये देख लो बिफोर भाई, इंजन माशाल्लाह ओके हो गया, क्लीन हो गया, फाइनल लुक है इसका। अंदर से भी देखो चमक रही है पूरी, चिपचिपा भी नहीं है, बिल्कुल ओके। मिट्टी में भी चलेगा तो मसला नहीं है। ये ब्लैक भी सही हो गया सारा, सफाई वफाई हो गई, पॉलिश वॉलिश हो गई इसकी, हो गई ओके। बाकी बॉडी बस तैयार हो रही है, थोड़ी थोड़ी अच्छी है। आगे जा देख सकते हैं, मैचिंग गाड़ी माशाल्लाह ओके हो गई। नंबर में दिखाऊंगा आपको, नंबर गया माशाल्लाह, हो गया बिल्कुल माशाल्लाह। रिवर्स बंद कर, रिवर्स गियर भी ओके हो गया। बैक सीट भी ओके, सीट से सीट कवर तो चढ़ेंगे इसके ऊपर, ऐसे ओके हो गया। ये इसका पीओवी, रात को देर हो गई थी, मैं वापसी घर चला गया था, अरे वकील भाई की शॉप भी बंद पड़ी थी, 11:30 हो गए थे, तो इसलिए ट्रांजिशन आपको देखने को मिली। अभी वकील भाई के पास जा रहा हूँ, गाड़ी ओके माशाल्लाह तैयार हो गई है, तस्वीरें भी ले ली थी। और इधर बैरिंग में आवाज़ है इस साइड वाले में ना, आपको शायद शोर थोड़ा फील हो रहा हो, इस साइड वाला बैरिंग ख़राब है। वो वासित भाई को भी ट्राई करा दी, वो बोले चेंज हो जाएगा, अगर मिला तो चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो रहा था। बाकी तो दिन के टाइम आप देख लो गाड़ी ओके बिल्कुल माशाल्लाह से इंटीरियर में। इसको और भी जो है ना, मैं उसको थोड़ा कोच के मैं लगाऊंगा। मैंने अकील से मुकीम भाई से सारी गाड़ी तैयार कराई है, A to Z। अच्छा स्टेयरिंग भी इसका आप देख सकते हो ना, जाहिर है गाड़ी पुरानी है, तो ये स्टेयरिंग भी जो है ना, मुझे लगता है कि मुझे स्टिच कराना पड़ेगा, ये मज़ा नहीं कर रहा है। ये सादा बिल्कुल होता है ना, मज़ा नहीं करता, फील नहीं देता, हमें तो फील चाहिए, सारे वैसे फील के होते हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी, बस स्टीयरिंग स्टिच ऑन तो सही है,
क्योंकि ये गाड़ी ऐसी तो उसका हॉर्न भी ऐसा ही होना चाहिए। और क्या बोल रहा था, और स्टेयरिंग स्टिच और हाँ सीट के और पीछे पड़े हुए वो भी इस पर चढ़वाने। सीटें इतनी ख़राब नहीं है, रात को ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इतनी ख़राब नहीं है, बाकी अक्कील भाई से सलाह करता हूँ तो वो सीट के और चढ़ जाएंगे। और कोई काम काम नहीं है, ख़ास काम नहीं है बस। ओके, एसी वगैरह चिलिंग में अच्छी है, ऑटो है कम करेंगे यहाँ से तो लो करें ना तो खुद ही ऊपर आएगा। लचकाल ऑटो से आया हूँ, फराज है मेरे साथ, सीट कवर चढ़ा रहा है। फुल काबू कर दे, लेयर क्यों आ रही है, लेयर नीचे निचाली में नहीं आ रही। सीट कवर लग रहे हैं आगे वाले, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके सिलाई कैसे चमक रही है, जा रहे धोला है ना, है ना फराज जी जी। बैटरी के टर्मिनल भी चेंज हो गए, कपड़ा भी लिया है, अल्लूर वाले से भी टायर चेंज करा रहा हूँ, खराब थे टायर ना, वो चले हुए कल्टस से डलवा रहा हूँ टायर। ओके है टायर, क्या होगा इतनी देर, इशू होएगा। अबे सर्फ की खुशबू होएगा इसमें सीट कवर में। भाई 6 बज रहे हैं भी, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही आज भाई, इतनी गर्मी है बाहर, अल्लाह रहम करे। ये लगाए बहुत खुशबू ज़बरदस्त है इसकी। हाँ भाई लगा रहा हूँ सीट बेल्ट, सीट कवर लग गए, मैट भिज गए नए और बाकी ओके हो गया। भाई भी देख के गए, हमारे दोस्त हैं वो अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त थे, वो देख के गए गाड़ी। शायद 2 दिन के बाद छोटा हो जाए, शायद अगर हुआ तो आपको बताऊंगा। बस घर जाके रोज़ा रोज़े से पहले सो जाता हूँ, रोज़ा खोल के फिर देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या होता है। आ गया हूँ अभी रोज़े में, पूरे पूरे तकरीबन 17 मिनट हैं। इफ्तारी आपको मैं दिखाता हूँ अपनी में क्या करता हूँ। चाय ये तो खैर मैं बाद में पीऊँगा, ठंडी पीता हूँ तो इसलिए मैंने बना के रख दिए। ये ज़्यादा ठंडा, अच्छा ये हल्का मतलब ठंडा, क्योंकि फुल गर्म फुल ठंडा ना इफ्तारी में पीते मज़ा नहीं आता। बाकी चाय जो है ना वो बिल्कुल पानी मतलब बिल्कुल ठंडी पीता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने बना के रेडी करके रख दिए। रोज़ा खुलेगा, इफ्तारी में क्या लूँगा, खजूर लूँगा और ये शरबत बस ओनली। तो खाना खा लेता हूँ पर अब अभी मूड नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा, देर से खाऊंगा रात को। तो बस ये सारे बर्तन धोने भी हैं अकेला हूँ, तो शरबत और खजूर। हो गए भाई, हो गए 7:02, फुल ठंडी है, फुल मतलब यख जैसे होती है ना। चलो भाई खजूर है फुल मतलब बर्फ। मजा आ गया, गाड़ी का भी हिसाब नहीं किया अकील भाई से, सामान जो लगवाया ना टायर वायर ये वो सब चीज़ें पैसे ही नहीं दिए, हिसाब ही नहीं किया। वो भी रोज़ा ये ओपन हो गया, नमाज पढ़ के वहीं चलेंगे, उसके बाद मैं शोरूम जाऊँगा MBL पे। ओके अभी 9:15 हो रहे हैं, अभी जा रहा हूँ अकील भाई के पास, पैसे ऐसे दूँ फिर उसके बाद शोरूम चला जाऊँगा, और रात को शायद छम्मी भी आएगा, सेहरी वेरी करेंगे। शोरूम अपना MBL पे जाऊँगा और उसके बाद शहजाद भाई के पास जाऊंगा रात को, ज़ाहिर है रमज़ान है तो रात को ज़्यादा काम होता है। और गाड़ी ओके माशाल्लाह, अभी काम इसका जो है ना कोई भी नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ओके हो गई। एवरेज अभी इसका फुल आएगा ऊपर, इसको रीसेट करना है मुझे, मैं भूल जाता हूँ। अभी इसको कर लेते हैं यहाँ से, हाँ ये बटन दबाए, रीसेट हो गया, 0 हो गया। अबे यार ट्रिप 0 हो गई यार, चलो वो ए तो है बी तो है, अभी देखिए कितना आता है इसमें, देखिए कितना आता है।
आ जाओ एवरेज आ जाओ भी। ये चीज ये है ना एवरेज, ये 660 का ये होता है। अब देखो पीछे आ रहा है लाइट फुल करके आ रहा है भाई। आ जाओ फुल करके आओ लाइटें, शहर में भी तुम फुल करके चलाओ। तो भाई ये था मुझे, तो भाई ये था फाइनल चैप्टर होंडा N1 का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और ऐसी कोई गाड़ी आपको सेल वेल करनी हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपने लिए खरीद सकता हूँ अगर मुझे डील सही लगी तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।